5 दिन पूर्व हुए एक पत्रकार पर हमले व लूट के मामले को लेकर पत्रकारों के धरने में अब लोकतंत्र का एक और स्तंभ शामिल हो गया है। आपको बता दें, अधिवक्ता संघ पत्रकारों के साथ लामबंद हुआ। दीवानी बार एसोसिएशन अध्यक्ष धरना स्थल पर पहुंचे। अधिवक्ता संघ की ओर से पत्रकारों के हर कदम पर साथ देने का ऐलान किया गया। समय रहते प्रशासन ने अगर कार्यवाही नहीं की तो अधिवक्ता संघ दीवानी को बंद कर देगा। समाजवादी पार्टी भी पत्रकारों के साथ एकजुट हो गई है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे ब्राह्मण सभा यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अनंत मिश्रा ने भी पत्रकारों से संवेदना व्यक्त की और कहा, पत्रकारों के हित के लिए सदा हम उनके साथ हैं और पूर्व सांसद ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है। सपा नेताओं ने भी पूरी तरीके से पत्रकारों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सर, जो एक पत्रकार ऋषिकांत दुबे जी हैं, उनके साथ इस तरीके घटना हुई, मारपीट घटना हुई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एक पत्रकार के साथ मारपीट की, उसकी चोटी काटने का प्रयास किया गया है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं अपने ब्राह्मण भाई के सपोर्ट में आया हूँ। इसे किसी भी तरीके से अकेला न समझा जाए। हम युवाएँ इसके साथ हर तरीके से साथ हैं। ब्राह्मण यूथ ब्रिगेड मैनपुरी से पूर्ण रूप से हम सभी, पूरी टीम हर रूप से साथ हैं। तो जो अभी तक ये इस संबंध में क्या कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज पूरा का पूरा पत्रकार अपनी पीड़ा को लेके धरने पर बैठा है। डूब मरना चाहिए ऐसे जिम्मेदार लोगों को जिनको गिरफ्तारियां करनी है। यही तो वह स्तंभ है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। आज बड़ा वेदना का विषय है कि हमारे जनपद मैनपुरी का पत्रकार जगत अपने को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः ये निवेदन करता हूं प्रशासन से कि समय रहते न्याय दीजिए, निष्पक्ष न्याय दीजिए, अन्यथा की स्थिति में वकील और पत्रकार वह इतिहास लिखेगा जनपद मैनपुरी में कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस इतिहास को देखेगा कि एक पत्रकार या अधिवक्ता के ऊपर कोई भी हमला करने का रिजल्ट क्या आता है। अभी हम कुछ कल 24 घंटे पहले चल पत्रकार इकट्ठे हुए थे, मतलब जो है ना एक बैनर के तले, जिसमें जो है इलेक्ट्रो मीडिया के थे। अब तो तमाम कारोबार झुरता चला जा रहा है सर। अगर धरने की स्थिति आएगी तो वकील के देखिए, निश्चित रूप से हम लोग समाज में एक विद्वान वर्ग है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसको न्याय के लिए संघर्ष करना ही हमारा व्यवसाय है। चूंकि चौथा स्तंभ अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा जनपद मैनपुरी का अधिवक्ता समाज जिस स्तर तक आपके लिए जाना पड़ेगा न्याय के लिए, हम लोग लामबंद हैं, आपके हर निर्णय के साथ हैं। पूरा का पूरा अधिवक्ता आपके साथ है इस लड़ाई में। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आपके साथ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धरना भी देंगे, क्या है भूमिका रहेगी इसमें वकीलों की? जो भी अभी, चूंकि ये एक बैनर तले, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना चल रहा है, आज हम लोग बतौर प्रतिनिधि अधिवक्ता समाज इसमें जुड़े हैं। आगाह करते हैं प्रशासन को, इस समय है आपके पास, अन्यथा की स्थिति में क्रमिक अनशन, आंदोलन, भूख हड़ताल, संघर्ष, सभी के लिए हम लोग तैयार हैं। खेद का विषय है कि जो मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, और आज चौथा स्तंभ अगर अपने न्याय की गुहार लगा रहा है, इससे ज्यादा बुरे दिन और आ सकते हैं। जो दूसरे को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर, जो पब्लिक का, तमाम लोगों का दुख दर्द शासन प्रशासन सरकार के सामने ला करके उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है, और आज वो स्वयं न्याय के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। विषय में तो हम यही कहेंगे कि मीडिया ही सर्वाधिक इस काम के लिए दोषी है। अब वो बात इस तर की बात अलग है, वो इस तरह आपका नहीं है। ऊपर वाली मीडिया तब भी सरकार बनाने के लिए सर्वोच्च आरबी आमादा है सरकार बनाने के लिए, और चूंकि अब आप देखिए, दो लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई थी। अब हमारी मांग यह है प्रशासन से कि हमारा जो पत्रकार साथी है श्रीकांत दुबे, उसके संग दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो पाए, उसको पुलिस प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था करे और ये सुनिश्चित करें कि आगे से इसके साथ उस ग्रुप की तरफ से जिसने इसके संग मारपीट की है, उसकी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना कोई ऐसी घटना घटित हो। अगर आगे की स्थिति में कोई घटना घटित होती है, उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन। धरना प्रदर्शन क्या आप करना चाहेंगे?
आगे अगर कोई घटना होती है तो फिर एक बार आंदोलन हुआ, आगे देखते हैं फिर क्या करना है। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति ये है, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक लोग बाकी है, हो सकता है देर रात तक उसकी गिरफ्तारी हो जाए, उसके घर पर लगातार दबिश पुलिस की पड़ो। धरने की क्या स्थिति है आपके? धरना जारी है, धरना अभी खत्म नहीं हुआ। आप पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? हाँ, 80% तो संतुष्ट हैं, क्योंकि दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक व्यक्ति बचा है जिसको बता रहे हैं, बार बार अभी बात हुई है कप्तान साहब से कि उनकी दबिशें बढ़ रही हैं और देर रात तक हो सकता है गिरफ्तार हो। आपका धरना जारी रहेगा या समाप्त हो जाएगा? अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हम फिर धरने को खत्म करेंगे।